एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द जीन ट्रांसफ़र टेक्निक। सो ये है हमारा पार्ट थ्री वीडियो लेक्चर ऑन दिस जीन ट्रांसफ़र टेक्निक। और आज के लेक्चर में हम जो रिमेनिंग टेक्निक्स है जीन ट्रांसफ़र की उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ जीनेटिक इंजीनियरिंग। तो जीनेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रांच है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर मेनली स्टडी की जाती है ये जीनेटिक मटेरियल्स के रिलेटेड, कि जो जीनेटिक मटेरियल है हमारा बॉडी का, कि लाइक डीएनए, कि जो हमारे ह्यूमंस के अंदर स्पेशली है, और जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होता है सर्कुलर डीएनए, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो उसके बारे में है जो अलग अलग स्टडी है कि लाइक किस तरह से जीनेटिक मटेरियल को चेंजेस किया जाता है, किससे उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। तो यह सब स्टडीज़ डिटेल में की जाती है इन जीनेटिक इंजीनियरिंग, एंड इट इज़ द डायरेक्ट मैनिपुलेशन और ट्रांसफ़र ऑफ ऑर्गेनिजम्स जीन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, की जो हेरेडिटी के लिए जो ज़रूरी कोई मटेरियल है कि जिसको हम कहते हैं जीन्स। तो ये जीन्स का स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है कि ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज या फिर वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिज़म, वो टेक्निक है हमारी ब्रांच मेन जीनेटिक इंजीनियरिंग। तो जीनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीखा था, कि जिसके अंदर स्पेशली हमने सीखा था कि हम दो अलग अलग स्पीसीज़ को लेके, स्पीसीज़ वन और स्पीसीज़ टू, दोनों के डीएनए को क्या करते हैं, कंबाइन करके एक नया डीएनए बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फिर से कंबाइन हुक किया हुआ डीएनए बना लेते हैं। तो समझो कि आपके पास है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि जिसको चलो कि हमने किए नाम दिया है प्लाज्मिड, कि जो है सर्कुलर डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स, के दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को मिक्स करके हमने ये प्लाज्मिड बनाया हुआ है। अब ये प्लाज्मिड को फर्दर सिंथेसिस करने के लिए हमें कोई स्पीसीज़ के अंदर, किसी होस्ट के अंदर या फिर लिविंग सेल के अंदर क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र। बिकॉज हमें उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनाने के, हमने तो एक ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया, अब हमें क्या करनी है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करनी है। तो एक में से दो, दो में से चार, चार में से 16, इस तरह से हमें मल्टीपल कॉपीज़ उसकी बनाती ही रहनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है ये जीन ट्रांसफ़र करवाना। तो जीन ट्रांसफ़र मतलब कि जो ट्रांसफ़र करते हैं हम जीनेटिक मटेरियल को फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, वो है जीन ट्रांसफ़र। पार्ट वन के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखा था, इलेक्ट्रोपोरेशन, कॉन्जुगेशन। पार्ट टू जो है ट्रांसडक्शन के बारे में है। पार्ट वन है रिगार्डिंग कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और आज का जो पार्ट थ्री है वो माइक्रो इंजेक्शन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न एंड लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र के बारे में रहेगा स्पेशली। और मतलब कि पार्ट फोर के अंदर हम लिपोसोम मेडिएटेड के बारे में सीखेंगे, और पार्ट थ्री के अंदर माइक्रो इंजेक्शन और उसके साथ एसोसिएटेड प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न की टेक्निक को सीखेंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जीनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र हो रहा है इन एनी पर्टिकुलर स्पीसीज, वो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके टेम्पररी क्या क्रिएट करते थे, ये पोर्स। पार्ट टू या वन में आप डिटेल में उसका देख सकोगे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा इसका रिविज़न नहीं करवाऊँगा आपको। कॉन्जुगेशंस के अंदर देखा था कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं दो सेल और उस तरह से अपना जीनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू सेक्स पाइलस। तो ये था कॉन्जुगेशन। और उसके बाद हमने, मैंने समझाया था कि बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरियोफेजेस के थ्रू जो जीनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो है ट्रांसडक्शन वाली टेक्निक। तो ट्रांसडक्शन के बाद जो हमें नेक्स्ट जो सीखना है वो है प्रोटोप्लास्ट
फ्यूज़न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। सो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न को एक और नाम दिया गया है, वो है सेल टू सेल फ्यूज़न। सेल टू सेल फ्यूज़न कि जिसको कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। और स्पेशली ये जो प्लांट और बैक्टीरिया जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशली बैक्टीरिया और हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी हम ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न इंड्यूस करके अलग अलग जो हम कहते हैं कि हाइब्रिड स्पीसीज डेवलप करना, तो ये जो हाइब्रिड स्पीसीज डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न टेक्निक। तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड स्पीसीज हम प्लांट्स में भी कर सकते हैं एज वेल एज बैक्टीरिया के अंदर भी कर सकते हैं टू गेट वेरियस डिजायर्ड फंक्शन। तो सोमेटिक फ्यूज़न ऑल्सो कॉल ए प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। यहाँ पे लिखा है कि इसका एक और नाम है सोमेटिक फ्यूज़न भी हम कहते हैं, ऑल्सो कॉल ए प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न इज ए टाइप ऑफ जीनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स बाय विच टू डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और बैक्टीरिया आर फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड प्लांट और माइक्रोब्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉथ, कि जिसको हम कहेंगे सोमेटिक हाइब्रिड स्पीसीज। तो जब आप डायग्रामेटिकली समझोगे तो और मज़ा आएगा ये टेक्निक को, कि यहाँ पे है ये बैक्टीरियल सेल, कि दो बैक्टीरियल सेल है आपके पास, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये वाला जो बैक्टीरिया है समझो कि उसको नाम देते हैं ए और बाजू में है वो है बी। तो दोनों का जो जीनेटिक मटेरियल आप देख सकते हैं वो इस तरह से बाहर निकाला गया है कि क्रोमोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल होती है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर एंजाइमेटिकली डाइजेस्टेड एंड प्रोड्यूसिंग प्रोटोप्लास्ट, कि समझो कि हमें पता है कि जब सेल वॉल जब आप निकाल लेते हो तो सेल वॉल निकाल देने के बाद जो भी हमें जो भी कोई बैक्टीरिया था तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ मिलेगा उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होती है कि लाइक रिबोसोम्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, स्मूथ या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी वगैरह ये प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोटोप्लास्ट को जब हम फ्यूज़न करवाते हैं उसमें से बाहर निकालते, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, उसके आसपास आई हुई ये सेल वॉल को सबसे पहले क्या करवाना होगा, डाइजेस्ट करवाना होगा यूजिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, कि जो बैक्टीरिया की जो प्रोटोप्लास्ट है उसको डाइजेस्ट कर सके। तो अब क्या होता है, समझो कि दोनों का ये प्रोटोप्लास्ट आपको मिल चुका है, ये वाले सेल का प्रोटोप्लास्ट ये है एंड ये दूसरे सेल का प्रोटोप्लास्ट ये नीचे की ओर है। तो सेकंड स्टेप में लिखा है कि इन सॉल्यूशन प्रोटोप्लास्ट आर ट्रीटेड विथ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। अब आप क्या करोगे, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल की जो हम कहते हैं शॉर्ट में PEG, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल की इन सॉल्यूशन प्रोटोप्लास्ट आर ट्रीटेड विथ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। अब ये जो आपने प्रोटोप्लास्ट को रिमूव करवाया उसको PEG के साथ ट्रीट करवा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हुआ और ये दोनों प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे के साथ ये मिक्स हुए हैं। अब आप क्या करते हो, सेगमेंट ऑफ द टू क्रोमोसोम्स आर रिकम्बाइन। अब दो प्रोटोप्लास्ट अलग अलग थे, उसके ये जो मेन क्रोमोसोम्स थे, जीनेटिक मटेरियल था, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बना रहे हैं रिकॉम्बिनेंट सेल की जो नंबर 4 के अंदर है। और अब 5 के अंदर आप देखते हो कि रिकॉम्बिनेंट सेल ग्रो अ न्यू सेल वॉल। अब जो नया रिकॉम्बिनेंट सेल बना है वो अपनी खुद एक नई सेल वॉल बना लेगा। तो यहाँ पे देखो, ये वाला बैक्टीरियम ए और ये वाला बी, दोनों के अंदर अलग अलग जीनेटिक मटेरियल था, तो दोनों का जब हमने प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न करवा के नया रिकॉम्बिनेंट डायरेक्ट सेल ही बनाया, तो ये जो नया सेल बना उसको हम नाम देते हैं सी। तो सी के अंदर ए का भी DNA प्रेजेंट है एंड बी का भी प्रेजेंट है,
तो इसको हम क्या कहेंगे कि सेल टू सेल फ्यूज़न, जो प्रोटोप्लास्ट होता है डायरेक्टली उसका ही फ्यूज़न करवा के हमने जीनेटिक मटेरियल को कंबाइन करवा दिया या फिर ट्रांसफ़र करवा दिया। तो ये हो गई टेक्निक प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, या फिर उसको सोमेटिक हाइब्रिड स्पीसीज भी कह सकते हैं, या फिर प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, सोमेटिक फ्यूज़न, या फिर सेल टू सेल फ्यूज़न हम उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर भी कर सकते कि आपके पास ये है प्लांट, ए प्लांट है कि जिसके अंदर ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, और दूसरा जो प्लांट है बी, उसके अंदर पर्पल कलर के फ्लावर आ रहे हैं। तो दोनों की ये जो सेल है उसको आपने क्या करवाया, एक्सट्रैक्ट करके ये जो है उसका प्रोटोप्लास्ट रिमूव कर दिया। अब ये प्रोटोप्लास्ट को आप कॉनिकल फ्लास्क के अंदर करवा रहे हो फ्यूज़न। फ्यूज़न करने के लिए यहाँ पे पीईजी सॉल्यूशन के साथ उसको ट्रीट करोगे, पॉलीइथिलीन ग्लाइकेल का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर उसको ट्रीट करोगे, और उससे यहाँ पे आपको ये हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिल रहा है कि जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट फर्दर सेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा और सेल कंबाइन होके फिर फर्दर जो नया हाइब्रिड प्लांट बनाएंगे उसके अंदर आप देखोगे कि पर्पल कलर के भी आपको फ्लावर्स मिलेंगे और आगे जाके उसी के ऊपर आपको रेड कलर के भी फ्लावर मिलेंगे। तो ये है बेनिफिट्स प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के। नेक्स्ट जो टेक्निक जो हमें सीखनी है वो है माइक्रो इंजेक्शन जीन ट्रांसफ़र टेक्निक। तो उसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ जीनेटिक मटेरियल बाय माइक्रो इंजेक्शन, कि माइक्रो इंजेक्शन को यूज़ करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला इंजेक्शन जो आप देख रहे हैं उसका लेबलिंग किया हुआ है कि माइक्रो इंजेक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू न्यूक्लियस। ये फॉरेन मतलब कि समझो कि इसको आप कह सकते हैं डोनर है, तो डोनर का जो डीएनए है वो ये माइक्रो इंजेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। अब ये है आपके पास कोई होस्ट सेल, तो होस्ट सेल वो हो जाएगा एक टाइप का रिसीवर, तो उसका ये जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे दिखाया है, वो न्यूक्लियस और जो येलोविश कलर का जो उसका जो मटेरियल है वो है उसका साइटोप्लाज्म। तो डायरेक्टली ये जो नीडल आप देख सकते हो, नीडल कहाँ पे जा रही है, नीडल का ये जो पॉइंट आप देखोगे कि तो डायरेक्टली जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर। मतलब क्या हुआ कि माइक्रो इंजेक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू न्यूक्लियस के, डायरेक्टली आप माइक्रो इंजेक्शन को यूज़ करके जो भी आपका डीएनए था, जीनेटिक मटेरियल था, उसको होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। सो माइक्रो इंजेक्शन इज़ द ग्लास, माइक्रो इंजेक्शन इज़ यूज अ ग्लास माइक्रोपिपेट। ये है ग्लास माइक्रो इंजेक्शन और ये है पिपेट टू इंजेक्ट लिक्विड सब्सटेंस एट माइक्रोस्कोपिक और बॉर्डरलाइन मैक्रोस्कोपिक लेवल, की जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही आप उसको ट्रांसफ़र करवाओगे इन्हें होस्ट सेल। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि होल्डिंग पिपेट की जिससे आप ये होस्ट सेल को होल्ड करके रखते हैं, उसका ये जो सेंटर वाला न्यूक्लियस, ये है उसका साइटोप्लाज्म, और माइक्रो इंजेक्शन नीडल की जो इसके अंदर डायरेक्टली जो इंजेक्शन के अंदर जो फॉरेन डीएनए जो आपने फिल किया हुआ है उसको न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन से ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये है माइक्रो इंजेक्शन जीन ट्रांसफ़र टेक्निक। नेक्स्ट है लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र टेक्निक, कि जिसके अंदर लिपोसोम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जीनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये टेक्निक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट फोर के अंदर, कि जो पार्ट फोर रहेगा जिसके अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। के पार्ट वन के अंदर हमने जो सीखा जो हमारा पार्ट वन था, पार्ट वन ने क्या कवर किया, तो कॉन्जुगेशन को कवर किया,
ट्रांसफॉर्मेशन को कवर किया, माइक्रोपोरेशंस को कवर किया वगैरह पार्ट वन में कवर किया। पार्ट टू लेक्चर स्पेशली था ट्रांसडक्शन के बारे में, जिसके अंदर हमने ट्रांसडक्शन टेक्निक को डिटेल में सीखा पार्ट टू के अंदर। पार्ट थ्री के अंदर हमने सीखा माइक्रो इंजेक्शन वाली टेक्निक एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न की, किस तरह से प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न टेक्निक से भी आप जो है वो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट फोर लेक्चर रहेगा ऑन ए लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। तो टोटल चार पार्ट रहेंगे हमारी ये जीन ट्रांसफ़र टेक्निक को समझने के लिए। तो टिल देन गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द पार्ट्स की जो अलग अलग लिंक्स है सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।